देखते हैं। लेसन नंबर वन में जो है हमने जॉइनिंग लेटर्स जो है, पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने जो है वो ए सी ओ डी जी क्यू, क्योंकि इनकी जो है वो फॉर्मेशन सेम है, तो हमने इन लेटर्स की, इन फाइव लेटर्स की प्रैक्टिस की। और उर्दू में जो है, उर्दू में हमने अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते टे से तक जो है प्रैक्टिस की थी। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए सी डी कर लिया था हमने, बीच में रह गया था बी। अब बी की आपने फॉर्मेशन देखनी है, कैसे कैसे ड्रॉ करना है। हर जॉइनिंग लेटर जो है उसकी एक स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी लाजमी होती है, सो डैट हम उसे जॉइन करने में आसानी फील करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बी, अब है बी की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेके, अगर आपकी राइटिंग स्ट्रेट है और कर्सिव है, उसके अकॉर्डिंगली आपने फॉलो करना है। मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ, अगर आप स्ट्रेट जो है फॉलो करें, आपने इसको बिल्कुल सीधा लेके जाना है, वापस आना है, यहाँ पे बी की फॉर्मेशन करनी है और यहाँ पे इसकी एंडिंग करनी है। और इस दौरान पेन बिल्कुल नहीं उठाना, अगर पेन उठा उठा के ड्रॉ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जॉइनिंग राइटिंग है और जॉइनिंग राइटिंग में हम पेन जो है नहीं उठाते, इसलिए तो इसकी स्पीड जो है फास्ट होती है। आपने जब फोर लाइन्स वाली कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, तो आपने किस तरह से भी ड्रॉ करना है, ये स्टार्ट लेना है, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे राउंड शेप देनी है और यहाँ पे इसकी एंडिंग करनी है। ठीक है, दोबारा देखिए, बिल्कुल सीधा जाना है, यहाँ पे आके आपने ब्रेक लेना है और यहाँ पे राउंड शेप देनी है और इसकी एंडिंग करनी है। ओके, और अगर आपकी राइटिंग कर्सिव है, कर्सिव में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने इस तरह से और उतना ही कर्सिव रखना है जितनी आप जो है वो अब तक प्रैक्टिस कर चुके हो। जितना आप इजीली कर्सिव लेके जा सकते हो, आपने उतना लेके जाना है। ये फुल कर्सिव वाला जो है वो इस तरह से है, लेकिन आपने अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, आप लाइट सा कर्सिव रखो और स्ट्रेट में बिल्कुल स्ट्रेट रखो। ठीक है, किसी एक जो है फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, दोबारा देखिए, बी में इस तरह से आपने कर्सिव लेके जाना है और इसकी लेंथ हाइट वगैरह का आइडिया आपको फोर लाइंस वाली कॉपी से होगा, उसमें आपने जो है वो फोर लाइंस के अंदर जो है, ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, बी की प्रैक्टिस करनी है आपने 15 times 20 times और बिल्कुल स्लोली करनी है, कोई स्पीड नहीं रखनी। अभी आपने स्पीड की तरफ फोकस ही नहीं करना, आप जितना स्लो लिख सकते हैं लिखें, कोई मसला नहीं है। जब आपकी एक फॉर्मेशन अच्छी सी बन जाएगी, उसके बाद जो है खुद बहुत आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। बी हो गया, सी और डी की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब ई की प्रैक्टिस। ई बेसिकली ज्वाइनिंग में इस तरह से होता है, ठीक है, बेसिकली ये होता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। ये देखो, ये अलिफ मद आ के ऊपर जो होता है ना, उस तरह का डिफिकल्ट लगता है, तो इसके लिए एक इजी ई जो है वो ये है, ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसका स्टार्टिंग और ये इसका एंडिंग, और अगेन कर्सिव कर रहे हैं और स्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी फॉर्मेशन रखनी है। स्ट्रेट में बिल्कुल सीधा आएगा और कर्सिव में, और अगर आप इसी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये शेप जो है आपने अगेन राउंड शेप रखनी है, जैसे सी की है, जैसे ए की है, ठीक है, ओ की है, इस तरह से आपने राउंड लेके जाना। ठीक है, ई की प्रैक्टिस कर ली, ई आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लो, अगर आपको इस तरह ड्रॉ करना इजी लगता है, अदरवाइज ये भी आसान है। ठीक है, इसके बाद अब एफ की प्रैक्टिस करते हैं। एफ भी अगेन जो है वो इस तरह का होता है, लेकिन जो मैं ड्रॉ करती हूँ, जो मुझे इजी लगता है, वो ये है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये देखो, जब बी डालते हैं तो हम बी में आके राउंड शेप कर देते हैं ना, यहाँ से ऊपर जाते हैं, एफ में हमने नीचे आके इस तरह से कर देना है। ठीक है, एफ की शेप आप पे डिपेंड करता है, आप इस टाइप की बना लो, इस टाइप की बना लो, या थोड़ा सा इस तरह करके बना लो। ये स्ट्रेट स्टाइल आ गया और कर्सिव में
अगेन उसी तरह तिरछा सा, और अगेन इसकी हाइट लेंथ वगैरह जो है 4 लाइंस के अकॉर्डिंगली हम इसको फॉलो करेंगे। एफ, ठीक है, मैं बहुत स्लोली ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है, और स्ट्रेट में आपने बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखो इसका जो है वो आपने गैप का ध्यान रखना है, इसको आपने ऐसे ऐसे नहीं डालना, ज़्यादा खुला नहीं करना, ज़्यादा ऐसे तंग नहीं करना, नॉर्मल जिस तरह मैंने रखा हुआ है। एफ हो गया, बी ई एफ, जी की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसके बाद हम एच देखेंगे। एच भी अगेन बी जैसा ही है, एच और बी सेम है। बी में हम क्या करते हैं, राउंड ले जाते हैं, एच में हमने इस तरह से एच वाली शेप देनी है, ठीक है। और ये स्ट्रेट में है और कर्सिव में है, ऐसे आप एच को इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर मेन जो है वो स्टाइल इसका यही है, पर मैं इस तरह के ही रखती हूँ जिसमें राइटिंग इजीली समझ आ जाए एग्जामिनर को, ठीक है। अच्छा, बी में भी अब आप देखेंगे बी भी एक्चुअली ऐसे होता है, लेकिन मैं ये नहीं डालती क्योंकि हमारी राइटिंग जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि एग्जामिनर को क्लियर हो, तो मैं क्लियर लेटर डालती हूँ। जैसे बी भी मैंने क्लियर डालना है, एफ भी क्लियर डालना है, एच भी मैंने क्लियर डालना है, वरना बेसिकली एच का जो है वो इस तरह से स्टाइल होता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो आप जो है वो जिस तरह से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो कर लो, ठीक है। ये मैं कर्सिव भी कर रही हूँ और स्ट्रेट भी डाल रही हूँ, आपने एक ही पैटर्न रखना है, या आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखो या आप कर्सिव लिखो। अगेन 4 लाइंस वाली कॉपी में इसकी लेंथ और हाइट का आइडिया रखना है आपने, ठीक है। तो आज की लेसन नंबर 2 में, क्योंकि थोड़े से सारे डिफरेंट और डिफिकल्ट हैं, तो मैं आपको ये 4 लेटर्स ही सिखा रही हूँ कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, बी ई एफ और एच, ठीक है। इसके बाद हम उर्दू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उर्दू में हमने अलिफ पे ते टे से और अलिफ मदा की प्रैक्टिस की थी, अब आगे करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 1 में जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी वो मोहम्मद सलीमान और एक और था बंदा या बंदी जिसने मुझे पिक्चर सेंड की थी, बट अपना नेम नहीं बताया। मैं नेम पूछा है, अब तक उसने नेम बता दिया होगा। तो उसकी भी उसकी कर्सिव स्टाइल में थी, मोहम्मद सलीमान की जो है वो स्ट्रेट स्टाइल में थी। दोनों की बेस्ट जो है वो अच्छी थी परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस अच्छी थी। इसके अलावा और भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने सेंड की थी, उनकी भी अच्छी थी। आप और प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अगेन सेंड कीजिए लेसन नंबर 1 की दोबारा, जिन्होंने सेंड नहीं की अभी तक, और लेसन नंबर 2 की आप दोबारा सेंड करें, ठीक है। और उसके बाद जो लेसन नंबर 2 में बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जीम की देखें प्रैक्टिस, आपने बिल इसको इतना सा नीचे रखना है। ज़्यादा जो बच्चे करते हैं ना इस तरह से बिल्कुल नीचे ले जाते हैं, वो गलत है, ठीक है। आप अगर उर्दू की बुक देखो ना, जो उर्दू की बुक में जो सारी राइटिंग लिखी होती है, उसमें जो है जस्ट वो जो कट मार्कर का जो डेप्थ होती है उसकी वजह से वो थोड़ा सा नीचे होता है, ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल लाइन के ऊपर ही सारा कुछ लिखा होता है। तो आपने भी जो है ये जीम चे नून वगैरह ये सारे जो है आपने इतना सा बस नीचे लेके जाने हैं, ये जीम हो गया, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे देखो इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके आइडिया रखो कि एंडिंग और स्टार्टिंग कहाँ पे जा रही है। जीम का स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, और जब इसकी मैंने ये गुलाई ली तो मैंने ये देखो इस चीज़ से थोड़ा सा पीछे रख के किया, और इसकी एंडिंग यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो आपने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इस तरह से नहीं डालना कि ये दोनों सेम हो जाए, इस तरीके से डालनी है। अगेन देखिए इस तरह से डाल के, आपने पेन नहीं उठाना, मैं आपको समझाने के लिए उठा रही हूँ, इस तरह से, ठीक है जी। छे खे, ठीक है, ठीक है जी, छे खे खे, ठीक
ठीक है, मीन्स टू से आप जो है डॉट्स तो आपको पता है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, शेप जो है सेम है, ठीक है। आपने इस शेप की प्रैक्टिस करनी है और शेप में इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो ऐसे इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, और यहाँ से ये सारी चीज़ का आइडिया रख के आपने शेप ड्रॉ करनी है। बिल्कुल राउंड शेप आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आगे जीम चे हे खे, और इसके बाद दाल डाल जार की प्रैक्टिस करते हैं। ये दाल, अब यहाँ पे देखो किस तरह से ड्रॉ करना है, इस तरह से लाइंस करके फिर आप जो है वो आइडिया रखा करो। ये देखो बिल्कुल लाइन के ऊपर इसकी एंडिंग होनी चाहिए, और स्टार्ट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये दोनों सेम, क्योंकि बच्चे ऐसे इकट्ठा डाल देते हैं एक जैसा, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग पहले और एंडिंग थोड़ी सी आगे जाके होनी चाहिए, और बिल्कुल राउंड शेप में मत डालो, इस तरह करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे जो है आप स्ट्रेट ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है। दाल डाल जाल, ठीक है। इस तरह से राउंड आके यहाँ पे एक समझो यहाँ पे कॉर्नर आएगा और ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया दाल डाल जाल, ठीक है। इसके बाद रे अरे रे से की प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं जो रे डालने लगी हूँ, ये देखो कुछ जो है बिल्कुल सीधा भी ऐसे आप रख सकते हो, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हो। ये शेप ज़रा बेस्ट नहीं लगती, आप थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे कर सकते हो। और जो मैं रे डालती हूँ वो मैं तिरछा लेके जाती हूँ इस तरह से, रे अरे जे से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं, अदरवाइज जो सिंपल नॉर्मल शेप है वो आप इस तरह से रे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। रे अरे जे से, ठीक है। तो उर्दू में हमने तीन शेप्स देखी हैं, ये वाली जीम वाली शेप, दाल वाली शेप और रे वाली शेप। दोबारा देखते हैं लास्ट पे, जीम चे हे खे दाल डाल जार रे अरे जे से, ठीक है। ये हमारी ये बेसिकली आज की शेप्स हैं। आप अभी चाहे डॉट्स मत डालें, बस आप जो है वो इन शेप्स की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप जो है वो बार बार जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े दे से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मुझे प्रैक्टिस शो करें इंग्लिश की भी और उर्दू की भी दोनों की, और व्हाट्सएप के नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हो। जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो मैं शेयर करूँगी ग्रुप में भी, जो जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है।